Hello and welcome back to Amadeus Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gira. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया किस तरीके से हमें टिकट को इशू करना है, राइट? और उससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी. आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कि इस टिकट को जो हमने इशू किया है इसको वॉइड कैसे करना है. मतलब पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि वॉइड क्या होता है और हम क्यों करते हैं, और उसके बाद हम लोग वॉइड कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द फर्स्ट अपडेट. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक बुकिंग के साथ. जैसे मैंने एक की बुकिंग खोली हुई है, ये दो पैसेंजर्स की बुकिंग है और इसके अंदर ना टिकट्स इशूड है. सो अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 12, इसका मतलब ये है कि दो टिकट्स ऑलरेडी इशूड हैं इसके अंदर. अगर आपको ये अलग से देखना होता है तो एक कमांड होती है, इसको हम कहते हैं RTTN, एनटर. जब मैं RTTN करता हूँ इसका मतलब होता है रिट्रीव टिकट्स. तो रिट्रीव टिकट्स का मतलब है कि हमारे पास दो टिकट्स आ गई हैं, नंबर 11 की, नंबर 12. ये लाइन नंबर है, सेगमेंट नंबर है. ये टिकट एक है, ये दूसरी है. हमें टिकट खोलनी कैसे है पहले तो हम ये देख लेते हैं. तो टिकट खोलने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ती है TWD/L. अगेन TWD/L. L का मतलब है लाइन नंबर. लाइन नंबर आपको 11 खोलनी है या 12 खोलनी है, अकॉर्डिंगली आप उसमें डाल सकते हैं. सो ये आप देखोगे कि हमारे पास एक टिकट खुल गई है. इस टिकट को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, ये हम आने वाले सेशंस के अंदर करेंगे. फिलहाल हम सिर्फ यही देखने वाले थे कि क्या इसमें टिकट है. जी हाँ, बिल्कुल इसमें टिकट है और ये हम इस तरीके से खोल सकते हैं. मैं आपको दोबारा से खोल के दिखाता हूँ. 12 एंड वी कैन ओपन इट लाइक दिस. इसको समझना कैसे है, अगेन इन द फॉलोइंग सेशंस विल डू. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि इसको वॉइड कैसे करना है. लेकिन वॉइड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइड का मतलब क्या होता है. तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. जब भी हम कोई भी बुकिंग बनाते हैं, लेट्स से देयर इज अ कस्टमर, एक कस्टमर है जिसने एक बुकिंग बनाई, वो बुकिंग बनाने के पैसे देता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को, राइट? ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो है उस पैसे को दे देती है आगे एयरलाइंस को. अभी तक हम लोग आई थिंक एक ही पेज पे हैं. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले कस्टमर होता है, कस्टमर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को देता है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी फाइनली जो है एयरलाइंस को दे देती है. लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस स्टोरी के अंदर एक और एजेंसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, वो एजेंसी है एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के बीच में. दैट एजेंसी इज ARC या फिर BSP. ARC या BSP वो दो ऐसी एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइंस के बीच में होती हैं. होता ये है कि कस्टमर ट्रैवल एजेंसी को पैसा दे देता है, ट्रैवल एजेंसी वो पैसा लेकर के उस पर टिकट इशू कर देती है. जब वो टिकट इशू करती है तो टिकट इशू करने के जो हमने पिछले सेशन में की थी उसके पैसे वो देती है एयरलाइंस को. लेकिन एक रूल आइटा ने बनाया था अभी कुछ सालों पहले जिसके अंदर वो पैसा डायरेक्टली एयरलाइंस को ना दे करके या तो ARC को देगी और या फिर BSP को देगी. ARC का मतलब है एयरलाइन रिपोर्टिंग कॉरपोरेशन, BSP का मतलब है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान. दोनों का काम बिल्कुल सेम है. मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे ये लोग ARC या BSP को देते हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझ जाइए कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पैसा कभी भी सीधा एयरलाइंस को नहीं देती है. एक होते हैं लो कॉस्ट कैरियर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगेन फ्यूचर में. लो कॉस्ट कैरियर वो होते हैं जो सस्ते कैरियर्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर SpiceJet, इंडिगो, ये सब हैं. मैक्सिमम ये कैरियर्स जो हैं वो GDS नहीं यूज़ करते, Amadeus, Galileo, Sabre कुछ यूज़ नहीं करते हैं. वो कैरियर जो होते हैं उनके लिए ARC BSP नहीं होता. लेकिन अगर GDS यूज़ कर रहा है कोई भी एयरलाइंस, उसको पैसा ARC या BSP को ही देना पड़ता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती थी कैलकुलेशन के अंदर. तो मैं आपको इनका प्रोसेस बता देता हूँ कि होता क्या है. ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ARC या BSP को पैसा देता है, ARC या BSP वो पैसा
जब दिन ख़त्म होने वाला होता है उसको एयरलाइन को दे देता है। एआरसी जो है, जो एयरलाइन रिपोर्टिंग कॉरपोरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लिए है। पहला फ़र्क कि एयरलाइन रिपोर्टिंग कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ उन बुकिंग्स के लिए है जो बुकिंग्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इश्यू हुई हैं। देखो, हो सकता है कोई बंदा दिल्ली से यूएस जा रहा है लेकिन उसकी टिकट अगर दिल्ली में इशू हुई है तो इसका मतलब ये है कि नहीं, वो एयरलाइन रिपोर्टिंग कॉरपोरेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान की टिकट बुक इशू हुई है यूएसए में, यूएसए की कोई भी सिटी, कोई भी एजेंसी से, तो वो एआरसी के अंडर आ जाएगा। एआरसी जो है वो पैसा अपने पास 2 दिन रखता है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं ये कि अगर मैं आज टिकट इशू करता हूं तो आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन, मतलब अगले दिन की रात को 12 बजे एआरसी पैसा एयरलाइंस को देगा, राइट? सो अगर आप सुबह 8 बजे संडे को या सुबह 8 बजे मंडे को आप एक टिकट इशू करते हो तो वो पैसा मंडे का पूरा दिन और ट्यूसडे का भी पूरा दिन एआरसी अपने पास रखेगी। ट्यूसडे की रात को जाकर के वो एयरलाइंस को देगी। सो करीब करीब 24 घंटे से ऊपर जो है एआरसी अपने पास पैसा रखती है और बाद में वो पैसा एयरलाइंस को दे देती है। सैटरडे और संडे एआरसी की छुट्टी होती है, तो अगर आप कोई भी पैसा, कोई भी टिकट इशू फ्राइडे को करते हैं तो फ्राइडे का पूरा दिन, सैटरडे संडे वो वैसे ही बंद होता है, और मंडे का पूरा दिन और रात को जा करके वो पैसा एयरलाइंस को देती है। तो बेसिकली एआरसी पे अगर आप कोई टिकट इशू कर रहे हो, मतलब यूएस के कोई भी पोर्टल पे अगर आप कोई टिकट इशू कर रहे हो फ्राइडे के दिन, तो वो पैसा एयरलाइंस के पास पहुंचेगा मंडे की रात को, क्योंकि सैटरडे संडे यूएस में एआरसी का ऑफ होता है। दूसरी जो हमारे पास एजेंसी है वो है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान। ये वो है जो यूएस के अलावा दुनिया में कहीं भी टिकट इशू हुआ है वो बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान के अंडर आता है। कनाडा हो, दिल्ली हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, सारी कंट्रीज जो हैं वो बीएसपी के अंडर आती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पैसा सेम दिन जो होता है उसी की रात को एयरलाइंस को मिल जाता है। मतलब अगर मैं दिल्ली में सुबह 9 बजे मंडे को एक टिकट इशू कर रहा हूँ तो रात को 12 बजे वो पैसा एयरलाइंस को पहुँच जाएगा। मतलब मंडे की ही रात को 12 बजे वो पैसा एयरलाइन को पहुँच जाएगा। और वहीं पे, यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं होती, ना सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होती। अब सैटरडे को इशू करो, संडे को इशू करो, मंडे को इशू करो, पैसा रात को एयरलाइंस के पास 12 बजे बजते ही पहुँच जाएगा। सो बेसिकली I think I'm able to make you understand this thing कि travel agencies जो हमारी हैं वो पैसा airlines को देती हैं और वो जो पैसा देती हैं उसके बीच में ARC और BSP आ जाते हैं। Now let's come back to this point। मतलब कहने का ये, अभी तक मैंने आपको void का मतलब ही नहीं बताया कि void क्या होता है, अभी हम ARC और BSP को ही समझ रहे हैं। मतलब in short अगर हम इसको समझें तो customer जो है पैसा ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को देता है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी वो पैसा एयरलाइन को देने से पहले एआरसी या बीएसपी को देता है, और रात को 12 बजे बीएसपी एयरलाइन को दे देती है और अगली रात को 12 बजे एआरसी एयरलाइन को दे देती है। मगर अगर आप देखेंगे तो ये पैसा जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ने निकाला अपने अकाउंट से, वो पैसा एयरलाइन के पास नहीं पहुँचा। क्योंकि वो पैसा एयरलाइन के पास नहीं पहुंचा लेकिन फिर भी टिकट इशू हो गई, क्योंकि एआरसी बीएसपी के पास जैसे ही वो पैसा पहुंचता है वो टिकट इशू हो जाती है। टिकट इशू हो चुकी है, सब कुछ डन हो चुका है लेकिन वो पैसा एयरलाइन के पास नहीं पहुंचा। और अगर वो पैसा ही एयरलाइन के पास नहीं पहुंचा तो हम एयरलाइन के रूल्स फॉलो क्यों करेंगे? हम कैंसिलेशन फॉलो नहीं कर सकते इस केस के अंदर, और उसी लिए हम लोग फॉलो करते हैं एक अलग चीज़ जो है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि जब पैसा एयरलाइन के पास नहीं पहुंचा है और हम उस टिकट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। इस केस में एयरलाइंस के रूल्स लग नहीं सकते क्योंकि पैसा जो है वो एयरलाइन के पास है नहीं, और हमारा पैसा लेकिन हमारे अकाउंट से निकल चुका है तो हमें रिफंड भी चाहिए। तो इस पूरे सिनेरियो को हम वॉइड कहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब वो पैसा एआरसी या बीएसपी के पास होगा। अगेन, बीएसपी के पास होगा उस रात तक,
मतलब ये कि अगर कोई भी बुकिंग आपने आज सुबह करी तो रात तक वो बुकिंग जो है कैंसिल फ्री में हो सकती है, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। वहीं पर अगर आप यूएस में बुकिंग कर रहे हो, यूएस के किसी पोर्टल पे बुकिंग बना रहे हो, तो वो पैसा अगले दिन रात तक आपको रिफंड मिल सकता है। और ये वाला जो रिफंड है, ये वाला जो कैंसिलेशन है, इसको हम वॉइड कह देते हैं। सो चीज़ कैंसिलेशन ही है, मिलेगा आपको रिफंड ही, लेकिन ये वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी, क्योंकि एयरलाइंस के पास पैसा ही नहीं पहुंचा। सो बेसिकली वॉइड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको रिफंड फुल मिल जाता है बिना कोई पेमेंट किए। लेकिन फिर भी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी, एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी ट्रैवल एजेंसीज कस्टमर से कुछ ना कुछ फी जरूर चार्ज करती हैं। सो दिस इज बेसिकली वॉइड। नाउ वॉइड सिर्फ तभी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब वो सेम डे पे हो। ये जो बुकिंग हमने करी है, ये बुकिंग एक लंदन के पोर्टल पे करी है, लंदन हमारा सूडो है, लंदन के पोर्टल पे ये टिकट हुई है। अब हमें ये देखना है कि, हमें ये नहीं देखना कि हम इस वक्त कहाँ बैठे हैं, नहीं, हमें ये देखना है कि जहाँ पर ये टिकट इशू हुई है वहाँ पर क्या डे है। सबसे पहले हम देखते हैं टिकट। मैंने RTDN किया, मैंने यहाँ टिकट नंबर देखा, दिस इज टिकट नंबर। ET का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टिकट, DL का मतलब है डेल्टा एयरलाइंस, GBP 150 मतलब 150 pounds and 70 cents की जो है हमारे पास ये टिकट है, पेंस की ये टिकट है। 27th April, इसका मतलब है इस दिन ये टिकट जो है वो इशू हुआ है। पोर्टल ये है, इसका मतलब लंदन का पोर्टल है, और अगर मुझे कैंसिल भी करना है इसको या अवॉइड करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं लंदन में सेम डे पे हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है कि ये टिकट जब इशू हुई हो वहाँ पर 27 हो, और जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पर आज 27 हो। बट इस केस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि टिकट वॉइड हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर वो टिकट इशू हुआ है वहीं पर उस सिटी में, उस कंट्री में वही सेम डे होना चाहिए, वरना हम टिकट को वॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ट्रैवल एजेंसी ने जो पैसा BSP को दिया, क्योंकि ये लंदन है तो यहाँ पर BSP का रूल फॉलो होगा। इसका मतलब सेम डे वो जो एजेंसी है BSP, वो पैसा एयरलाइंस को दे देगी, उसी रात को वो दे देगी। तो 28 होते ही ये टिकट नॉन वॉइडेबल हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि क्या ये वॉइड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं चेक करूँगा यहाँ पर DDLON, DD लंदन, और लंदन में ये दिखा रहा है कि 28 अप्रैल की जो है वो रात हो चुकी है। इसका मतलब ये कि हम इस टिकट को, इस बुकिंग को वॉइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वॉइड दिस बुकिंग, क्योंकि पैसा जो है वो एयरलाइन तक पहुंच चुका है। तो इस बुकिंग को वॉइड करने के लिए हमारे को सेम डे पर होना ज़रूरी था, वो भी सेम सिटी में जहाँ पर ये टिकट इशू हुई है। अगर हाँ, अगर ये न्यूयॉर्क में होती है, US की कोई भी सिटी में होती, उस केस के अंदर हम इसको अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उस केस में अगर वो 27 अप्रैल को इशू हुई है तो 28 अप्रैल की रात को 12 बजे तक वो पैसा ARC के पास रहता, क्योंकि US में ARC होता है। लेकिन इसको हम अवॉइड कर नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी वो कमांड बताऊंगा जिससे हम कोई भी टिकट को अवॉइड कर सकते हैं। टिकट को अवॉइड करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है TRDC। TRDC वो कमांड है जिससे आप AMADEUS में टिकट वॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक और चीज़ लगानी पड़ती है, जो है TRDC/L एंड देन द लाइन नंबर ऑफ द टिकट, मतलब 11। यहाँ पर मैं 11 भी चलाऊंगा और 12 भी चलाऊंगा। सो TRDC/L11 एंड TRDC/12। ऐसे जब भी हम करेंगे, अगर वो टिकट वॉइडेबल पीरियड में है, तो हम उस टिकट को वॉइड कर सकते हैं, और वो सारा का सारा पैसा जो है वो ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट में चले जाता है, और वहाँ पर आप कस्टमर से कितने भी पैसे लें, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन वॉइड अ टिकट, एंड दिस इज व्हाट वॉइड एक्चुअली मींस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो यू नो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अस एंड यू नो प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनको भी समझ आए कि वॉइड बेसिकली होता क्या है। क्योंकि जनरली यू नो इफ़ यू टेक अ ट्रेनिंग, वो बोलते हैं कि आप टिकट खोलो और TRDC/L कर दो और चला कर देख लो, अगर वॉइड होता तो वॉइड है, नहीं तो आप छोड़ दो। लेकिन वो वॉइड का मतलब क्या होता है, उसको किस तरीके से हम समझते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे,
वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊँ डिटेल में कि वॉइड क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।